बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद असीब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बेटे, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। तो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में सब प्रोग्राम की डेफिनेशन देखी, उसकी टाइप्स देखी, उसकी डेफिनेशन देखी, आर्गूमेंट्स की डेफिनेशन देखी। फिर उसकी टाइप्स में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं जी, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हम लोग अपना बिल्ट इन फंक्शन वाला टॉपिक लेके चल रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने अपना बिल्ट इन फंक्शन देखा था कि क्या होता है बिल्ट इन फंक्शन। ऐसे फंक्शंस जो के प्रोग्रामर या वो कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, उसने हमें जिस कंडीशन में दिए, वो हमारे पास बिल्ट इन या बिल्ट इन फॉर्म में बिल्ट इन फंक्शन हम उनको कहते हैं। उसको इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहा जाता है। उसी की फिर हमारे पास सब टाइप है। पहली टाइप है न्यूमेरिक फंक्शन, इसकी दो टाइप्स हैं फर्दर। एक इसमें न्यूमेरिक फंक्शन और एक हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है, पहले हम लोग न्यूमेरिक की डिटेल में चलेंगे। न्यूमेरिक, इसके नाम से पता चल रहा है, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स। ऐसे फंक्शन जिसमें हम लोग नंबर्स के साथ डील करते हैं। इन फंक्शंस की एक खास बात है, वो खास बात क्या है, वो खास बात ये है कि इन फंक्शन में हम सिर्फ नंबर्स के साथ डील करेंगे। यानी वो तमाम फंक्शंस हम लोग देखेंगे जिसमें नंबर्स के साथ डील किया जाता है, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, कोई वेरिएबल उसके अंदर हम लोग पुट नहीं करते, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जो नंबर्स ना हो। हमारे पास 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो पॉइंट वाली फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ठीक हो गया, इसलिए हम इन फंक्शंस को न्यूमेरिक फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो पहला फंक्शन मौजूद है वो एबीएस फंक्शन हमारे पास मौजूद है। एबीएस फंक्शन में मैं इसके आपको एग्जांपल दूं, ये क्या करता है। एबीएस अगर यहाँ पर देखें, -3.999 है हमारे पास। देखिए नंबर्स हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि तमाम फंक्शंस इसमें सिर्फ हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। 3.999, अब जब हम इसको वो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद इसके हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 3.999। वो क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को इग्नोर कर देगा। यानी इसका जो साइन है वो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसको इग्नोर करके हमें इसका आंसर रिटर्न कर देगा। यहाँ पर माइनस साइन था तो इसको इग्नोर करके उसने 3.999 लिख दिया। अगर यहाँ पर माइनस ना होता तो आंसर इसका यही 3.999 दे देता। ठीक हो गया। सो एब्सोल्यूट फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वो उसके मैग्नीट्यूड को यानी उसके साइन को इग्नोर करके हमें आंसर रिटर्न करता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग एबीएस फंक्शन कहते हैं। इसी तरीके से इंटीजर वैल्यू क्या करती है, इंटीजर फंक्शन, ये भी एक हमारे पास फंक्शन है जिसमें हम लोग नंबर्स के साथ डील करते हैं। यानी इंटीजर ये हमें होल वैल्यू रिटर्न करता है। ऐसा फंक्शन जिसमें हमें पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर करके हमें आंसर रिटर्न करे, वो फंक्शन हमारे पास इंटीजर फंक्शन होता है। एस क्यू आर, इसका नाम बता रहा है कि ये क्या करता है, स्केयर रूट। यानी ये ऐसा फंक्शन है जो किसी भी फंक्शन का स्केयर रूट लेके हमें रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊँ, एस क्यू आर और ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ 36, तो ये क्या करेगा, इस 36 का स्केयर रूट लेके हमें आंसर 6 रिटर्न कर देगा। यानी ये देखें, ये एस क्यू आर लिया, इस ब्रैकेट में यानी आर्ग्यूमेंट्स में जो भी वैल्यूज होंगी उसका स्केयर रूट लेगा और आंसर में हमें रिटर्न कर देगा। मैं यहाँ 25 लिख दूँ तो ये 5 रिटर्न कर देगा। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दूँ उसका यहाँ पे हमें इसका आउटपुट में हमें इसका स्केयर रूट लेकर दिखा देगा। यानी नंबर के साथ डील करने के लिए, किसी भी नंबर का स्केयर रूट लेने के लिए हम एस क्यू आर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से साइन फंक्शन, बेटे मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट, टेंजेंट, ये सारी वैल्यूज़ हैं। अगर आप कंप्यूटर में उस वैल्यू का साइन देखना चाहते हैं कि इस नंबर का क्या साइन आएगा या उसका कोसाइन क्या बनेगा या सेकेंट क्या बनेगा, तो हम उसका फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे साइन है तो यहाँ पर साइन लिख देंगे, कोसाइन लेना है इसका तो कोसाइन लिख देंगे, सेकेंट लेना तो सेकेंट लिख के आगे ब्रैकेट में उसका नाम नंबर लिख देंगे। जैसे देखें, साइन ब्रैकेट में वो नंबर लाइक 9, तो इसका साइन की वैल्यू लेकर हमें आंसर रिटर्न कर देगा। ये भी न्यूमेरिक फंक्शन है, इसमें नंबर्स को इस नंबर का साइन या कॉस या टेंजेंट या कोटेंजेंट लेना है वो लिखकर उस नंबर को हम लोग लिख के उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आंसर हमें रिटर्न कर देगा।
एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, आर एंड डी फंक्शन। आर एंड डी क्या होता है? आर एंड डी मीन्स रैंडम, यानी आपने, रैंडम का मतलब क्या होता है, जब आप चीज़ों को बगैर किसी तरतीब के सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास में आपकी क्लास मौजूद है, अगर टीचर ने कोई सवाल पूछना है आप कि किस किस को याद है, तो वो पूछ लेते हैं, हाँ जी बेटा आप बताएं इसका आंसर क्या है, आप बताएं इसका आंसर क्या है, लास्ट वाले बताएं, फर्स्ट वाले बताएं, तो ये बगैर किसी सीक्वेंस के, बगैर तरतीब के दरमियान दरमियान से बच्चों को उठा के उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो ऐसी सिचुएशन जब दरमियान दरमियान में से किसी चीज़ को उठाया जाए, सेलेक्ट किया जाए, उसे हम लोग रैंडम कहते हैं। जब सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ किसी चीज़ को लेकर जाते हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड सो ऑन, वो चीज़ हमारे पास सिक्वेंशियल होती है। और जब बगैर किसी तरतीब के दरमियान दरमियान से नंबर्स को लिया जाता है, उन्हें हम लोग रैंडम कहते हैं। यानी अगर रेंज हमारे पास 1 to 10, उनको दरमियान से नंबर सेलेक्ट करने, तो हम आर एंड डी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है आज का मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई सवाल है, कोई किसी किस्म का कोई मसला आपको पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें, उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो देखते रहें, और बाकी इसको कोई मसला हो तो आप हमसे डिस्कस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम।